फिलहाल समय की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से समय की बड़ी खबर आ रही है। प्रॉपर्टी डीलर के कई ठिकानों पर दबिश, इस मामले को लेकर थाना राजपुर में मामला भी दर्ज था। सीबीआई दस्तावेज जुटा रही है। करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये दबिश हुई है। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त मामले में कई बिल्डर्स भी शामिल हैं। उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। उपेंद्र, पूरी खबर बताएं विस्तार से। देखिए पूजा, जिस प्रकार से जो है जो सुधीर बिल्डर थे, इनके ठिकानों पर जो है ये रेड जो है ये पड़ी हुई है और चार से ज्यादा टीमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में जो है ये छापेमारी जो है वो कर रही है, क्योंकि देहरादून के जो पुलिस रिपोर्ट पे इस बिल्डर के खिलाफ जिस प्रकार से कोर्ट अर्जित दस्तावेजों के जरिए जो है सरकारी और गैर सरकारी जो संपत्तियां हैं उसको कब्जाने को लेकर जो है मामला इन पर अनेक जो है वो दर्ज था। और जिस प्रकार से 2018 से लेकर 2020 तक प्रॉपर्टियों में धोखाधड़ी और कब्जे के चार ऐसे मुकदमे जो है वो दर्ज थे, जिसमें धारा 420, 467, 468, 466 आईपीसी की धारा जो है वो दर्ज थी और मामले की जांच के दायरे में जो है वो चल रही थी, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से भी इस नामी बिल्डर के खिलाफ जो है तीन मुकदमे को जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। और आज जो है जो जानकारी अभी मिल रही है कि सीबीआई की जो टीमें हैं, चार सदस्यीय टीमें बिल्डर्स के अलग अलग ठिकानों पर जो है वो छापेमारी कर रही है और जिस प्रकार से अकूत संपत्तियां जिस प्रकार से जो है उनके द्वारा जो है वो दर्ज की गई है, ऐसे में जो उसके जो रिश्तेदार हैं जो उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे जो है सीबीआई जो है वो पूछताछ करने में जुटी हुई है और जो कागजात है वो खंगालने की कोशिश में जो है वो जुटी हुई है। ठीक, उपेंद्र आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया।